हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर ऑल एग्जाम्स। और खास करके दोस्तों, ये सीरीज है मेरी महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस एग्जाम पेपर टू के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग लेटर आई से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एच तक जितने भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसके मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे। अगर आपने उस वीडियोज़ को देखा नहीं तो उसका जो प्लेलिस्ट है दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोज देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों 99% चांसेस है कि आपके जो मैक्सिमम वर्ड्स हैं यही क्वेश्चन के सीरीज में क्या होने वाले दोस्तों, फंसने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग फर्स्ट वर्ड देखते हैं आई से शुरू होने वाला क्या है। तो वो द फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है दोस्तों, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, हिंदी में भी आप बोल सकते हो जिज्ञासु। इसके दोस्तों सिनोनियम्स हो जाएंगे, सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हो जाएंगे क्यूरियस, स्टूडियस, सर्चिंग या फिर इंक्वायरिंग। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। अभी दोस्तों इंक्वायरिंग कैसे, अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में इंक्वायर करते हो, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हो, दैट मीन्स आप जिज्ञासु हो वो चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, सिनोनियम्स मतलब सेम मीनिंग वाले अगर वर्ड आपको यहाँ पर बताना है तो आपको रिलेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब है दोस्तों कल्पक, होशियार इंसान या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरल। ठीक है, सिनोनियम, सिनोनियम देखिए क्या हो जाएंगे, इसको क्रिएटिव हो जाना, इमेजिनेटिव या फिर इनोवेटिव। ऑब्वियसली दोस्तों जो जो इंसान इमेजिनेशन अच्छा करता है वो क्या है, कल्पक है, होशियार है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला वाला, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, अपरिहार्य यानी कि आपको ऐसी चीज दोस्तों आपको चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोल सकते हैं इनएविटेबल। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनअवॉइडेबल, इमिनेंट या फिर सब्सटांशियल। इमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों दैट इज समथिंग श्योर टू हैपन, मतलब ये चीज होने ही वाली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिनेंट। सब्सटांशियल का मतलब होता है ठोस, ठोस का मतलब ऑब्वियसली दोस्तों ठाम है वो चीज पे, यानी कि वो चीज होने ही वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है इनएविटेबल, और इसके सिनोनियम्स भी अच्छे हैं, इमिनेंट एंड सब्सटांशियल। अगला वर्ड देखिए दोस्तों क्या है, इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है लाड, लिप्त करना या फिर संतुष्ट करना है किसी को, सेटिस्फाई कर देना। इसको सिनोनियम्स हो जाएंगे सेटिस्फाई, कंफर्ट, पैम्पर कर देना किसी को या फिर ग्रेटिफाई। पैम्पर का मतलब होता है दोस्तों लाड करना, किसी को प्यार करना, ये क्या होता है, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। अगला शब्द देखिए दोस्तों क्या है, इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है आलसीपना, मराठी में आप बोलेगा आलसीपना, हिंदी में हो जाएगा आलस। इसके जो सिनोनियम्स हो जाएंगे लेजी, स्लगिश हो जाना, इडलनेस या फिर इनएक्टिविटी, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा वर्ड है इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है दोस्तों आलसी हो जाना। इसमें आप और एक वर्ड ऐड कर सकते हो, दैट इज इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब भी होता है आलसी हो जाना, अच्छा वर्ड है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला वर्ड देखिए क्या दोस्तों, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है दोस्तों अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब ऐसी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, वही वो जो आपको चीज है आपको चाहिए, मतलब चाहिए। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इसेंशियल, क्रूशियल, अनअवॉइडेबल या फिर रिक्विसाइट, अनिवार्य, इसको आप बोल सकते हो अनिवार्य। ऐसी चीज वो क्या है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इनडिस्पेंसिबल इसका क्या होता है दोस्तों, मीनिंग होता है। अगला शब्द देखिए क्या है, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है संताप, रोष, बेसिकली आप इसको हेट बोल सकते हो, एक नेगेटिव वर्ड है। इसके जो सिनोनियम्स हो जाएंगे रेज, एंगर, रैत या फिर इर। रैत का मतलब होता है दोस्तों एक्सट्रीम एंगर, ये भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा वर्ड है। रैत मीन्स क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रीम एंगर। अगला शब्द क्या है, इनकॉम्पिटेंट। अभी इनकॉम्पिटेंट इसका जो सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो इनकॉम्पिटेंट मतलब क्या हो जाएगा, अक्षम, और कॉम्पिटेंट मतलब हो जाएगा सक्षम। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे इनकॉम्पिटेंट के, हो जाएगी इनइफिशियंट, कोई भी अगर इफिशियंट नहीं है तो इनइफिशियंट हो जाएगा वो, अनस्किल्ड या फिर इमेच्योर, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनकॉम्पिटेंट के। अगला वर्ड क्या है देखिए दोस्तों, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है उतार, झुकाव या फिर आप बोल सकते हो किसी की तरफ, कोई भी चीज़ की तरफ चाह हो जाना, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स क्या है दोस्तों, स्लोप, ग्रेडियंट, रैंप या फिर लीनिंग, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हो जाएंगे। अगला वर्ड देखिए क्या है, इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है किसी को दोष देना या फिर किसी को मदना। सिनोनिम्स हो जाएंगे अस्क्राइब, अस्क्राइब का मीनिंग होता है दोस्तों मराठी में खापर फोड़ने, किसी के ऊपर कोई भी चीज़ का दोष देना। हिंट, स्टिग्मेटाइज या फिर सेंश्योर करना, सेंश्योर मतलब दोस्तों बेसिकली निंदा करना किसी की। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे किसके, इम्प्यूट के। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर मतलब कोई भी चीज़ को खराब कर देना, बिगाड़ देना या फिर कमजोर करना कोई भी चीज़ को, तो इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे वर्सन, हार्म करना, डैमेज करना या फिर डिटेरियोरेट करना। डिटेरियोरेट का मतलब दोस्तों बैड से वर्स, ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो डिटेरियोरेट एक अच्छा वर्ड है, आपको
पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे वर्ड्स दोस्तों आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और आपको ये डेली रीड करना है, तभी आपको क्या हो जाएगा, सब वर्ड्स याद हो जाएंगे और इसको यूज भी करना आना चाहिए डे टू डे लाइफ में, तब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिए दोस्तों, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिकार शक्ति या फिर रोग प्रतिकारक शक्ति। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रीडम, एमनेस्टी या फिर प्रोटेक्शन। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड देखिए क्या दोस्तों, इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, अफाट, ह्यूज हो जाना। कोई भी चीज़ अगर बहुत बड़ी है तो हम लोग बोलेंगे इमेंस है। सिनोनिम्स हो जाएंगे ह्यूज, वास्ट, मैसिव या फिर इनॉर्मस। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं वर्ड एक वर्ड देता हूँ, उसका आपको मीनिंग बताना है कमेंट बॉक्स में। इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मीनिंग आपको क्या करना है दोस्तों, और इसके सिनोनिम्स भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम्स। ठीक है दोस्तों, तो आज के स्टूडियो में लोग दोस्तों आई से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट शब्द कवर किए हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी बोलना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपको मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, एग्जाम में हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और फ्रेंड लोग को अपने हेल्प हो जाएगी। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग लेटर जे से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे, तो बने रहिएगा, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।